बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो पहला एक स्पीकर ने कहा से कि वो जब इतने हिंदुस्तान आने की कोशिश करते हैं तो पहले टीके लगाते हैं, तो मैं भी टीका लगवाया पर मेरा ख्याल है वो टीके का कोई असर नहीं हुआ। मैनू कल नजला हो गया और सोर थ्रोट हो के, तुम देख सकते हैं मेरी आवाज भी कुछ खराब हो गई, पर फिर भी मैं अपनी प्रेजेंटेशन जरूर करूंगा। इस तो पहला कि मैं इन शुरू करा, माफी मंगना चाहूंगा कि मेरी जी बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग साइंस की है, साहित्य की नहीं। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार इतने बैठे है पर पंजाबी भाषा के नाल लगाव होने करके असि इंग्लैंड दे विच कुछ ना कुछ करते ही रहने हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो, इसलिए मेरी पंजाबी दी उच्चारण जिहड़ा वो भी तुहाडे वर्गा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उहदी भी मैं माफी मांगा। और मेरी पंजाबी लिखण की काबिलियत भी इन्नी नहीं हैगी, जिथे बड़े बड़े लिखारी बैठे है उन्हां तो मैं जरूर माफी मांगूंगा। अच्छा, ये जिहड़ी मैं जां मेरे दोस्तां ने एक अलग दृष्टिकोण तो इस कॉन्फ्रेंस के विषय नूं लिया, विज्ञानिक दृष्टिकोण तो कि असीं इहदा एनालिसिस करन की कोशिश की है। बहुत सिफतां भी कीतियां गईयां, बड़े सवाल भी पूछे गए और असीं साडे इस पेपर का मकसद है कि कॉन्फ्रेंस नूं चैलेंज देना और सारे पंजाबियों नूं चैलेंज देना कि यही बैठे सोची जाना जी साडी तां भाषा ही बड़ी महान है कि जी 150 मुल्कां दे विच बोली जाती है जिथे भी असीं गए हां, कैनेडा दे विच पढ़ाई जाती है जी, इंग्लैंड दे विच पढ़ाई जाती है, लेकिन असीं जिहड़ी हकीकत है उहदे तों दूर नठण की कोशिश कर रहे, अपने आप नूं एक किस्म दे डिसीव करते हैं। जदों भी इकट्ठे होंगे ना असीं अपनियां सिफतां बहुत कर जाने हैं जी, साडा तां बहुत कुछ हो रहा, इंटरनेशनल भाषा बन गई है, लेकिन हकीकत बहुत दूर है इस चीज तों। उस विषय नूं मुख रख के असीं ये कुछ स्लाइड्स तैयार कीते हैं। मेरा नाम बलदेव सिंह अंदोला, मैं जिस तरह कहा ही है कि इंजीनियरिंग दी मेरी बैकग्राउंड है साइंस दी, ते मेरे साथी रजिंदर सिंह वो अज मेरे नाल ही हैं, वो कंप्यूटर बिजनेस दे विच सीगे, ते असी जिस तरह मैं कहा कि भई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेजेस पंजाबी दे इंग्लैंड दे विच बनाए सी। अच्छा, उन्हां चीज़ां दा की हशर होया वो भी मैं तुहानू थोड़े जे इलस्ट्रेट करके दसूंगा। कैनेडा दे विच जां होर मुल्कां दे विच जो कोशिशां पंजाबी पढ़ाउण नूं कीतियां जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि जो हशर इंग्लैंड दे विच होया वो ही कैनेडा ते होर मुल्कां दे विच भी जरूर हो के रहेगा, वो भी इशारा इस प्रेजेंटेशन दे विच मैं देने की कोशिश करूंगा। ते मोता सिंह जी साडे हैगे आ, वो आ नहीं सके, वो मेयर भी रह चुके आ, जो अचीवमेंट पंजाबियों ने कीतियां इंग्लैंड दे शहर दे। इस तो पहला के होर तुहानू स्लाइड दिखाई जा साडे, क्योंकि इंग्लैंड दे विच 60s तो लोग पंजाबी काफी तादाद दे विच रह रहे आ, और ये भी कहा कल कहा गया सी कि जदों तुसीं प्रवास करके दूसरे मुल्क दे विच जाने आ तां तुहाडा एक किस्म दा मुकाबला हो जांदा उहनां दे नाल, ते क्योंकि यूरोपियन लोग काफी एडवांस्ड है साडे नालों, जद असीं उत्थे पहुंचे जी वो कहिंदे जी तुहाडी तां भाषा नहीं चंगी जी, तुहाडी भाषा तां साइंटिफिक है नहीं जी, उह वी पंजाबी की हुंदी आ, ते सानूं उह होया कि भई असीं भी मुकाबला कर सकदे, साडी वी हैगी आ, ते असीं कहा कि भई सानूं टैलीविजन प्रोग्राम भी चाहीदे आ, उत्थे भी समां दित्ता जावे, साडा रेडियो प्रोग्राम भी होने चाहीदे आ, ते उस स्ट्रगल तों बीबीसी ने एक एशियन नेटवर्क बनाता जिहदे ते पंजाबी हिंदी गुजराती वगैरह दे विच प्रोग्राम दित्ते जांदे आ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਲਿਆ ਪੀਵੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ
यूरोप दे विच रह रहे सी, इंग्लैंड च नहीं बल्कि यूरोप दे विच, ओ कहिंदे जे कोई नहीं जानता, जे माड़े मोटे जानते हैं तां पगड़ी तो जानते हैं, वह सिर्फ इन्ना ही जानते हैं कि जी ये सिख हो ज्यादा ते उन्हां नूं पंजाबी दा कुछ नहीं पता, पंजाबी भाषा बारे कुछ नहीं जानते। अच्छा ते इहदा इहदी साइंटिफिक अप्रोच विज्ञानिक अप्रोच तो इहदा ताल्लुक जिहड़ा आ दोनों दे नाल है, एक किस्म का विशा ते विशेई वाला, कारण ते कारज वाला ताल्लुक आ भाषा का, कि जिहड़ा बोलता आ ते जिहड़ा सुनता आ उह डिटरमिन करदा दोनों ही जने इकट्ठे होके कि भई थोड़ी पछाण की है। सो एक तो यह है कि पंजाबियों ने अपनी पछाण प्रोजेक्ट करना, जी प्रोजेक्शन किस तरह देंगे और दूसरा किस तरह ओनू प्रसीव करता, वह थोड़ी पछाण बनती है। दूसरी भाषा के लिहाज तो तुसी अपनी भाषा किस तरह बोलते हैं, वह किन्नी डिवेलप हुई हुई है और दूसरे तक जब पहुंचती है भाषा किस तरह प्रसीव करते हैं, पछाण बनती है। तुसी ओ जो तुसी सोचते हो, भाषा का सोचण दे नाल बहुत वड्डा ताल्लुक है। अजकल नवे विज्ञानिक रिसर्च ने शो कर दिता जो तुसी हो ओही तुसी करते हैं, ते तुसी जो करते हैं ओही थोड़ी पछाण है। ते संस्कृत दे विच भी साडे परंपरा दे विच आउंदा है कि भई पासितवा करतवा, तुसी जो बोलते हैं भाषा ओही तुसी करते हैं। इस लिहाज तो भाषा क्यों किस तरह अते कदों पछाण बनती है, ये आपां इस प्रेजेंटेशन दे विच लभण दी कोशिश करांगे। इस तो पहला जिस तरह मैं कहा सी कि साडी अप्रोच होगी जे साइंटिफिक आ, कि साइंटिफिक अप्रोच दे विच जिहड़ी विधि आ ओह इह आ कि सब तो पहला तुसी जो सब्जेक्ट चूज किया डेफिनेशन देने की कोशिश करते ताकि दोनों नूं पता लग जाए कि भई ओहदी परिभाषा की है, ताकि तुसी ओह कम्यूनिकेट कर सको और ओहदा इन्वेस्टिगेशन कर सको। जिस तरह मैं पहला किया कि भाषा का शब्द जो है ओह भास जा बोलण तो होया, कि जो तुसी बोलना है ओह हौली हौली ओहदा ओह भाषा के लफ्ज दे विच बदल गया। एक होर डेफिनेशन दे हिसाब डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी कहते हैं, जीव द्वारा उत्पन्न धुनिया जां बोलना दे समूह नूं भाषा कहा जाता। दूसरी एक होर डेफिनेशन है वो चोम्स्की जो अमेरिकन लिंग्विस्ट है वो दिंदे आ, वो कहिंदे भाषा वाकां दा समूह अते सीमित भाषां तों असीमित वाक संरचनावां जां ढांचे जो रचिया जांदियां वो भाषा है। मतलब कि भाषा जिहड़ी आ उहदे जिहड़े बेसिक तत् आ उहनां नूं लै के तुसीं असीमित वाक बना सकदे आ, वो भाषा है। बुनियादी तौर ते संचार दीआं जटल व्यवस्थावां नूं हासिल करके अपने फायदे लई प्रयोग करन दी मानसिक समर्था नूं भाषा कहा जांदा है। इक होर इंटरप्रिटेशन है भाषा दी। इहदे नाल नाल भारतीय परंपरा दे विच इहनूं एक किस्म दी देवी कहा जांदा, क्योंकि भारतीय परंपरा दे विच फिलोसफी दे विच इहदी ताकत नूं भाषा की ताकत नूं बहुत पहला पछाण लिया सी, और इसे करके संस्कृत दे विच इन्नी डिवेलपमेंट कीती गई लिंग्विस्टिक दे विच और ग्रामर दे विच। एक इटैलियन इंटरप्रिटेशन है कि कोई भाषा नहीं होंदी जिस कोल साहित नहीं होंदा। अच्छा इस हिसाब दे नाल पंजाबी नूं की असीं भाषा कहांगे, क्योंकि मैं लेटर ऑन इहदे ते भी टच करूंगा कि साडे कोल साहित कितना गया। जिस तरह मैं कहा ही है कि भारत की ज्ञानमई परंपरा विच भाषा नूं इक देवी बनाता सी, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂ ਖਿਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਥਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੱਗਿਆ।
अजकल की मॉडर्न रिसर्च ने शो कर दिता कि थोड़ी जी सोच आषा तो अलावा बिलकुल ही डिवेलप नहीं भाषा ही थोड़ी सोच डिवेलप करती है और थोड़ी परसनैलिटी थोड़ी सोसायटी डिवेलप करती जो तुसी हो मेनू स्नेहा मिल गया जी कोशिश करनी मैं थोड़ा जहा ज्यादा ही टाइम लैन की कोशिश करूंगा क्योंकि क्योंकि असि बिलकुल जी दूसरे असि टाइम बहुत लाया सी क्योंकि सानू नहीं सी पता कि भाई तुसी पांच पांच मिनट के पेपर भी हिंदुस्तान च कर लेने यूजली पांच पांच मिनट के पेपर नहीं होंगे ओके जी अच्छा बुद्धि तो विज्ञानक सोच भी थोड़ी भाषा ही बनाती है स्पीड अप करने के लिए सो यह मैसेज हो गया कि भाषा दो फंक्शन अदा करती है एक कि कम्यूनिकेट करना दूसरा या कि थोड़ी सोच इनेबल करती है वो किस तरह होती है कि ये भी दिखाया जा चुका है रिसर्च ने कि थोड़ी जी मदर टंग है ओ तो अलावा तुसी सोच नहीं सकते और ओ तो अलावा थोड़ी जी विज्ञानक कैपेबिलिटी वो भी कदे भी डिवेलप नहीं होगी इतों तक भी दिखाया जा चुका कि एक बच्चा पहले दो साल के सारे ही कॉन्सेप्ट जो भी स्ट्रक्चर है भाषा का वह सीख लेंदा उस तो बाद वो सारी उम्र जो पहले दो साल उन्हें सीखा होता उन्हों वरत के ही एक महान साइंटिस्ट बनता इसी करके एक कंकलूजन कही गई है कि भाई थोड़ी जी मात भाषा है वो सहारे से बुद्धिमान भी बढ़ रहे हैं और ही सहारे से विज्ञानिक भी बन रहे हैं जेकर थोड़ी लेटर लाइफ दे विच थोड़ी उस मात भाषा नूं थोड़ा एजुकेशन सिस्टम खोलने की कोशिश करता तो तुसी वो कदे भी महान बुद्धिमान या साइंटिस्ट नहीं बन सकते यही त्रासदी पंजाबियों की है कि स्कूलों के माड़ी मोटी पंजाबी पढ़ाई जाती है बाद दे विच उन्हूं हो लिया जाता उस बच्चे की जिहड़ी जिहड़ी ताकत आ कदे भी असीं देखिया ही है कि भारत या होर जिहड़े गरीब मुल्क है उन्होंने कदे साइंटिस्ट बड़े पैदा नहीं किए क्योंकि साडी भाषा ठीक नहीं अच्छा इसी रिसर्च दे विच जब मैं पेपर लिखने की कोशिश कर रहा सी ते अगेन साडी जिहड़ी पुरानी परंपरा आ उहदे विच इह किहा आ कि भई जिहड़ा दूसरा सारी सृष्टि आ उहनूं सबजेक्ट ऑब्जेक्ट दे लिहाज नाल देखिया गया जिहड़े साडे आचार्य धर्म कीर्ति होए आ महान बोधी लॉजिशियन वो कहते हैं कि भाई कभी भी आदमी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता बाहरी संसार दे नाल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड दे नाल क्योंकि वह ज्ञान इंद्रिया के थ्रू साडे दिमाग दे विच जांदी है वह इनफॉर्मेशन और उस इनफॉर्मेशन नूं असी संकल्प या कॉन्सैप्ट बना के अपना दृष्टिकोण बनाने यही विधि जिहड़ी आ इह साइंटिफिक विधि आ इसे नाल ही साइंस अभी तक भविष्य की आ इहनां इस कॉन्सेप्ट तों जिस तरह मैं कहा सीगा कि साडे बीबीसी ने प्रोग्राम दित्ते आ पंजाबी दे ते इक मैं होर क्लिप देना चाहूंगा वह हैगा आ कि उत्थे साडे रेडियो ते पंजाबी विच खबरां वी सुणाईआं जांदीआं तुसी हुण इह जज कर लिओ कि आप पंजाबी आ जां कि किहड़ी भाषा आ जिहदे विच कर रहे हैं। चलो जी
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਪਛਾਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਇਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਜੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ